नमस्कार नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। लैंडफोर्ड जॉब केस से जुड़ी बड़ी खबर है जहां लालू प्रसाद की पेशी होनी है। लालू प्रसाद समेत 8 आरोपियों की पेशी होगी। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की भी पेशी कोर्ट में होनी है। ईडी के चार्जशीट पर अदालत ने समन जारी किया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है, तो आज लालू प्रसाद यादव की पेशी होगी। लालू प्रसाद समेत 8 आरोपी जिनकी पेशी होगी, और इसमें जो नया नाम है वो तेज प्रताप यादव का भी है, जिनको कोर्ट ने समन जारी किया है, उनको भी बुलाया गया है। बता दें कि तेजस्वी की पेशी होगी। ईडी की चार्जशीट पर अदालत ने यह समन पिछले दिनों जारी किया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी इनकी होनी है। तो लैंडफोर्ड जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव की पेशी, इसके साथ साथ 8 आरोपी आज राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचेंगे, जहां उनसे कोर्ट सवाल जवाब करेगा। लैंडफोर्ड जॉब स्कैम से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला, और इसी में कोर्ट ने इनको बुलाया है। आइए अब जान लेते हैं कि यह पूरा लैंडफोर्ड जॉब मामला है क्या। तो 2004 से 2009 के बीच का यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है, जिसमें आज पेशी के लिए इन 8 आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुलाया है। जब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री थे, उनके कार्यकाल के दौरान रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। दरअसल रेलवे ग्रुप डी की बहाली में गड़बड़ी की बात सामने आई। आरोप लगा कि बिना विज्ञापन जारी किए ही नौकरी दे दी गई, जबकि ये बात आप सब भी जानते हैं कि कोई भी सरकारी बहाली के लिए विज्ञापन जारी किए जाते हैं। तो इसी मामले में लालू प्रसाद के परिवार समेत अन्य लोगों पर आरोप है कि अभ्यर्थियों से जमीन लेकर नौकरी दी गई। लालू परिवार के खिलाफ जमीन रजिस्ट्री करने वाले का आरोप लगा। बात यह भी सामने आई कि 4 करोड़ से ज्यादा की जमीन 26 लाख में ही ले ली गई। अब आपको बताते हैं कि लैंडफोर्ड जॉब मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार के कौन कौन से लोग आरोपी हैं। तो इसमें लालू परिवार से जुड़ा हुआ जो नाम है उसमें सबसे पहले खुद लालू प्रसाद हैं, तेजस्वी यादव हैं, राबड़ी देवी, मिसा भारती और हेमा यादव हैं। लेकिन जो ये समन जारी किया गया उसमें तेज प्रताप यादव का भी नाम है, उनसे भी कोर्ट सवाल जवाब करेगा। बढ़ेंगे आगे तो आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद ने एक बार फिर से रेलवे को लेकर बीजेपी को घेरा है। लालू प्रसाद के पोस्ट के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। आरजेडी अध्यक्ष प्रसाद यादव के एक पोस्ट ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। लालू प्रसाद ने लिखा है कि 10 वर्षों में मोदी की एनडीए सरकार ने रेल का किराया भाड़ा बढ़ा दिया, प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए, स्टेशन बेच दिए, जनरल बोगियां घटा दी, बुजुर्गों को मिलने वाला लाभ खत्म कर दिया, सेफ्टी सिक्योरिटी घटाने पर रोज हादसे हो रहे हैं, फिर भी कहते हैं रेलवे घाटे में है, अब ये कहीं रेल की पटरियां ना बेच दे। लालू प्रसाद के बयान से बीजेपी के नेता अब लाल हो गए हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद के पोस्ट पर तुरंत पलटवार किया। असल लालू यादव को पहले से बेचने की आदत है, इसीलिए वो इस तरह की बात करते हैं। उन्होंने बहुत कुछ बेचा है, बहुत कुछ खरीदा है ना, इसीलिए। लालू प्रसाद के रेलवे को बेचने के आरोप पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तीखा तंज कसा है। संजय झा ने कहा कि लालू प्रसाद अपने समय में किए गए कार्यों को याद कर रहे होंगे, जिस तरीके से उन्होंने रेलवे में गड़बड़ी की थी। अपना एक्सपीरियंस कह रहे होंगे, जैसे नौकरी बेचे थे रेलवे, ऐसा कोई हम लोगों की जानकारी में नहीं। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। स्वास्थ्य की वजह से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद लोकसभा चुनाव की ही तरह ज्यादा चुनाव प्रचार तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन गाहे बगाहे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बिहार के राजनीतिक माहौल को गर्मा जरूर देते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृत राज और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत को फिर से हिंदू राष्ट्र बताया है। कहा, भारत में पूरी विकास गाथा के लिए हिंदू ही जिम्मेदार, सुरक्षा के लिए आपसी विवाद मिटाकर सबको संगठित होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हिंदू सबको अपना मानता है, सबको स्वीकार करता है।
और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से, प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का मंत्री संतोष कुमार सिंह ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सभी हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी विरासत के सम्मान के लिए, अपने सांस्कृतिक धरोहर के लिए एक होना ही पड़ेगा, तभी हिंदुओं की रक्षा हो सकती है। वहीं उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग राष्ट्र को बांटने और तोड़ने में लगे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि बिल्कुल मोहन भागवत जी ने सही कहा है, इसमें कई ये तो स्पष्ट है, सभी हिंदू को अपनी सुरक्षा के लिए, अपने विरासत की सम्मान के लिए, अपने सांस्कृतिक धरोहर के लिए एक होना ही पड़ेगा। होना नहीं चाहिए, होना ही पड़ेगा, तभी हिंदुओं की रक्षा हो सकती है। चूंकि इस देश में ऐसे कई नेता हैं कि अपनी छोटी एक स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए मातृभूमि की चिंता, राष्ट्र की चिंता किए बिना राष्ट्र को बांटने में, राष्ट्र को तोड़ने में लगे हुए हैं। नक्सलवाद के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। साल 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का मोदी सरकार ने संकल्प लिया है। नक्सलवाद के खिलाफ फाइनल प्रहार की तैयारी है। नक्सलियों के खिलाफ अब और बड़े ऑपरेशन होंगे। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 अक्टूबर को दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधि, गृह सचिव, आईबी चीफ, अर्धसैनिक बलों के डीजी, एनआईडीजी सहित गृह मंत्रालय के भी अधिकारी शामिल होंगे। बिहार के डीजीपी आलोक राज मीटिंग में शामिल होंगे। बैठक के दौरान नक्सलियों के खिलाफ एक्शन प्लान बनाया जाएगा। बता दें कि साल 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का मोदी सरकार ने संकल्प लिया है। इस साल छत्तीसगढ़ समेत नक्सल प्रभावित राज्यों में 193 नक्सली मारे गए हैं। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में नक्सली गतिविधियों पर लगभग विराम लग चुका है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी नक्सलवाद खात्मे की कागार पर हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड में चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां जीत की रणनीति बनाने में जुटी हैं। सीटों और प्रत्याशियों पर मंथन कर रही है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। लेकिन इस कोशिश में कांग्रेस एक अलग ही कलह में फंसती दिख रही है। जहां जहां कांग्रेस का जनसंवाद हो रहा है, हंगामे और बवाल की तस्वीरें आम हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव से पहले कांग्रेस किसी गुटबाजी का शिकार हो चुकी है? आगे चुनाव, कांग्रेस में तनाव। चुनाव से पहले कलह में फंसी कांग्रेस, जनसंवाद में जगह जगह बवाल। ऐसे पूरा होगा कांग्रेस का लक्ष्य 2024। चुनाव की दहलीज पर खड़े झारखंड में विरोधियों को चित करने निकली कांग्रेस अपनी ही कलह में उलझी है। धनबाद के बाद अब लोहरदगा के भंडरा और किस्को में भी पार्टी के जनसंवाद में कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जिसमें चुनाव और प्रत्याशियों पर कार्यकर्ताओं की राय ज्यादा रार देखने को मिली। कार्यकर्ताओं के जिलाध्यक्ष के साथ जोरदार बहस के बाद प्रदीप बलमुचू ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर बड़े नेता बचते हुए मंच से निकल गए, जिसके बाद पूर्व सांसद धीरज साहू ने मोर्चा संभाला। ने कहा कि अगर आप लोग में से गांव वाला कोई भी बोलना चाहता है, उसको आमंत्रित किया था। तो
इससे पहले 5 अक्टूबर को धनबाद में कांग्रेस के जनसंवाद में बवाल सबने देखा, जब बागमारा पुटकी में कार्यकर्ताओं के बीच लात घूंसे की नौबत आ गई और ये सब कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में होता रहा। हम जनता के बीच में खाली पहुंच जाए तो माला पहने, भाजपाई लोग को कहीं जगह रखने, पैर रखने की जगह नहीं मिलती। झारखंड कांग्रेस में गुटबाजी किस कदर हावी है, ये पिछले कुछ दिनों से लोहरदगा में दो बड़े नेताओं सुखदेव भगत और रामेश्वर उरांव की लड़ाई से जग जाहिर है। और अब कार्यकर्ताओं के बीच भी खुलकर घमासान मचा हुआ। ऐसे में अगर कांग्रेस में बड़े नेताओं के स्तर पर डैमेज कंट्रोल की कोई कवायद शुरू नहीं होती है तो लक्ष्य 2024 के अभियान पर निकली कांग्रेस बीच रास्ते में ही भटक सकती है। न्यूज 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता के साथ लोहरदगा से आकाश साहू की रिपोर्ट। नवादा में सीएफ और पुलिस की विशेष टीम ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खलसा ढिवरी गांव में पुलिस को यह सफलता मिली। छापेमारी के दौरान 3 देसी तिनट, 3 देसी पिस्टल के साथ साथ भारी मात्रा में अर्धनिर्मित पिस्टल के पार्ट्स और पुर्जे की बरामदगी की गई है। आरोपी कारू मिस्त्री अपने सहयोगी गोरू मियां के साथ मिलकर अपने घर में ही अवैध मिनी गन फैक्ट्री चला रहा था। कारू मिस्त्री पर पहले से भी आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज है। केस दर्ज कर नवादा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दोनों आरोपी किसके लिए हथियार बनाते थे, पूछताछ के जरिए पुलिस इसका खुलासा करने में जुटी हुई है। सूचना के आधार पर एसटीएफ और मुफस्सिल थाना की संयुक्त छापामारी में खालसा डिमरी में कारू मिस्त्री के घर से 3 देसी कट्टा, 3 अर्ध निर्मित 3 नट बंदूक और हथियार बनाने की सामग्री बरामद हुई है। खबर दरभंगा से है, जहां किरतपुर प्रखंड में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। इस दौरान उनके साथ एमएलसी शशि यादव और विधायक संदीप सौरभ भी मौजूद थे। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि पूरा उत्तर पूर्व बाढ़ की तबाही झेल रहा है, हजारों लोग बेघर हो गए हैं, लेकिन बिहार की बीजेपी जेडीयू की सरकार 7,000 रुपए की मामूली सहायता देकर अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो गई है। उस समय भी अगर प्रशासन सजग होता लोगों के चाराना कर देता तो बिल्कुल लोग कह रहे हैं कुछ नहीं। अभी आप मोहन जी का सुन रहे थे, इनके भाई इनके भौजाई दोनों की लाश निकली है, कहीं कोई इस समय भी प्रशासन की ना कोई संवेदना है, ना कोई मदद है, ना कोई मुआवजा है, कुछ भी नहीं है। लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी ताकत से लोग स्पॉट पे आके देख रहे हैं। अभी तक सरकार की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है, पब्लिक के द्वारा जो बताया गया। पूरे रात अंधेरा में हम लोग रहते हैं, पूरे रात एनडीआरएफ की टीम, बस लोगों ने कहा कि जब कोई नेता आता है तो एनडीआरएफ की टीम घूमती है। एक महिला ने बताया कि उनकी 2 मवेशी उस तरफ फंसा हुआ है और ये लोग गुजारिश कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, उसका 2 मवेशी को अभी तक इस तरफ नहीं लाया, वो मवेशी भूखे प्यासे तड़प करके जान भी दे दिया है, दे दिया है। यहाँ तक कि जो पीने का पानी का संकट है उसका भी कोई सरकारी की तरफ से इंतजाम नहीं है। ये जो झंझारपुर जाने वाला बांध है, सड़क है, इसको टूटने के बाद से इस तरफ से उस तरफ लोगों को अगर जाना है तो इसके लिए भी कोई नाव का इंतजाम नहीं है, सरकार हो कम से कम। बिहार में जमीन सर्वे का काम जोर शोर से चल रहा है। रैयतों की स्व घोषणा करने के मामले में जो रिपोर्ट सामने आई है वह काफी दिलचस्प है। उसमें 38 जिलों में रोहतास पहले पायदान पर है जबकि गया दूसरे स्थान पर है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। सरकार के निर्देश पर इन दिनों समूचे राज्य में जमीन सर्वे का काम किया जा रहा है और इस बीच पटना में बंदोबस्त पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई जिसमें दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है। और जो बंदोबस्त अधिकारी पहुंचे थे पटना, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि रोहतास जिले में 3,93,783 स्व घोषणा के लिए प्रपत्र 2 प्राप्त हुए हैं जो बिहार में सबसे ऊपर यानी नंबर 1 है। इसके अलावा गया जिले में 2,95,970 प्रपत्र 2 स्व घोषणा के लिए प्राप्त हुए हैं और यह नंबर 2 पर है। अगर भोजपुर जिले की बात करें तो वहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिलाकर कुल 33,355 स्व घोषणा प्रपत्र ही प्राप्त हुए हैं और इसका स्थान राज्य में सबसे नीचे यानी 38वें नंबर पर है। पूर्वी चंपारण में 34,594 स्व घोषणा पत्र प्राप्त हुए हैं और यह नीचे से दूसरे स्थान पर है।
तो निश्चित तौर पर काफ़ी दिलचस्प आंकड़े जो हैं वो सामने आए हैं। बंदोबस्त पदाधिकारियों की बैठक में यह उनसे कहा गया है कि लोगों को और प्रोत्साहित किया जाए ताकि जो स्वघोषणा पत्र है वो अधिक से अधिक लोग जमा कर सकें। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से अब तक 37,98,514 स्वघोषणा पत्र जो है वो प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2,49,847 आवेदन ऑफलाइन माध्यम से मिला है जिसको ऑनलाइन किया जाना है। अब तक कुल 15,55,293 रैयतों ने अपने कागजातों को ऑनलाइन अपलोड किया है, जबकि 19,93,374 आवेदन जो सीवियर हैं उसमें ऑफलाइन मोड में प्राप्त हुए हैं। कि बड़े पैमाने पर लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए ताकि अधिक से अधिक स्वघोषणा प्रपत्र जो है लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से जमा करवा सकें। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। सीएम नीतीश कुमार ने एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के लिए डिजाइन किए गए शुभंकर और लोगों का अनावरण किया। इस दौरान भारतीय महिला हॉकी टीम की उपकप्तान नवनीत कौर ने सीएम नीतीश के सामने अपना अनुभव साझा किया। बता दें कि महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच बिहार के राजगीर में किया जाएगा। इसकी घोषणा हॉकी इंडिया ने कर दी है। साल 2010 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट का यह 8वां संस्करण होगा जिसमें एशिया के शीर्ष 6 देश हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत आज से बिहार में सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की उपस्थिति में IGIMS में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए बच्चियों को टीका लगाया गया। भविष्य की सुरक्षा के लिए यह HPV टीका सबसे प्रभावी तरीका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत में यदि 5 सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट मिलते हैं तो उसमें 1 पेशेंट बिहार का होता है, और पूरे साल में देश में 1,00,000 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर की नई पेशेंट आ रही हैं। इसका मतलब कि बिहार में केवल 20,000 सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट नए बिहार में आ रहे हैं। आज इस HPV टीकाकरण हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो एक शुरुआत हुई है कैंसर को रोकने के लिए, तो नवरात्रा का दिन चल रहा है और शक्ति की आराधना हम सब करते हैं, और ये शक्ति के स्वरूपा हमारी जो बहन बेटी है, हम इसको पूरी तरह से स्वस्थ रखने का संकल्प को साकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के इस कार्यक्रम के शुभारंभ में मैं मंगल जी और पूरे टीम को फिर से बधाई और धन्यवाद देता हूं कि बिहार के बच्चियों को पूरी तरह संरक्षित करने का काम जो आपने बीड़ा उठाया है इसको आगे बढ़ाते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी पटना से बड़ी खबर है, जहां प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर परिसर में 2 गुटों के बीच जमकर झड़प और मारपीट हुई है। दरअसल मंदिर प्रबंधन समिति से जुड़े लोग आपस में भिड़ गए। एक तरफ इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष हैं तो दूसरे गुट में उपाध्यक्ष समर्थक। दोनों गुटों में किसी बात को लेकर बैठक बुलाई गई थी और इस दौरान मारपीट की घटना हुई। मारपीट के दौरान इस्कॉन मंदिर के बाहर भगदड़ मच गई। घटना में कई लोग जख्मी हो गए हैं। इस मामले में न्यूज 18 ने जब पटना के SSP राजीव मिश्रा से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने 2 गुटों के बीच विवाद और मारपीट की घटना की बात कही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दो गुटों के बीच में आपस में झड़प हुई है। कई मामले इसमें हैं, जो कि इसमें एक व्यक्ति जो कि यहाँ से ट्रांसफर होकर के भागलपुर चले गए हैं, कहीं कहीं वो भी यहाँ पर रह रहे थे, तो उनके साथ में कुछ मामले इनके पूर्व से भी रहे हैं। फिलहाल जो विवाद हुई है मंदिर में, तो निश्चित रूप से मंदिर सार्वजनिक प्लेस है और इस पर इस तरह से झगड़ा होना एक कहीं कहीं बहुत बड़ी अनुशासनहीनता का परिचायक है। और चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त, जल्द वापस आते हैं।